हेलो भाई, ये वाशिंग मशीन की मोटर है, स्पिन मोटर BPL कंपनी की। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चलती नहीं है मोटर। हमने इसको ये डायरेक्ट चला के भी चेक किया था कैपेसिटर से, ये बिल्कुल भी नहीं चलती है, वाइब्रेट करती है मोटर। तो ये देखो, ये BPL कंपनी की है स्पिन मोटर। इसको 4.5 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर लगता है। तो अब हम इसको खोलेंगे मोटर को। ये इसके 4 स्क्रू लगे हैं, इसको नट बोल्ट, 1, 2, 3 और 4। ये मैंने खोलने की कोशिश की थी, ये बहुत ज़्यादा टाइट है। तो अब हम इन चारों नटों को इस ग्राइंडर की मदद से काटेंगे और फिर इसको खोल के हम आपको दिखाते हैं। ये हमने ये नट इसके काट दिए हैं ग्राइंडर की मदद से। अब हम इसको खोलेंगे। ये देखो, चारों नट हमने काट दिए हैं। अब हम इसको खोल के चेक करवाते हैं आपको। हम इसको ये नीचे से बाहर निकालेंगे मोटर को। ये इसका जो कवर है, इसको हम बाहर निकालेंगे। और इसका ये स्टेटर इसको बाहर निकालेंगे, स्टेटर। ये हमने लग कर लिया, ये इसका रोटर है। इसको जंगाल लगा हुआ, इसमें पानी डाला हुआ था मोटर में। ये इसका रोटर है और ये इसका स्टेटर है, ठीक है। ये कवर भी हम अलग कर लेंगे इसका। ये हमने इसका स्टेटर भी अलग कर लिया, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से इसका कोयल जल गया है, ये यहाँ से ये काला हो गया इसका कोयल, जिसकी वजह से मोटर चल नहीं रही थी। अभी इस स्टेटर को हम रिवाइंड करवाएंगे। जो ये स्टेटर को रिवाइंड करते हैं, उनके पास लेकर जाएंगे हम इसको, रिवाइंड करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसको रिवाइंड करवा लिया मोटर को। ये देखो, ये अभी बिल्कुल सारी मोटर हमने रिवाइंड करा ली है। इसको रिवाइंड कराने में हमारा टोटल 180 रुपये खर्चा है। 180 रुपये में ये स्टेटर तैयार हो गया रिवाइंड होकर। ये इसकी तारियाँ, कॉमन कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इसकी वायर है। अब हम स्टेटर को इसके अंदर फिट करेंगे, ठीक है। फिट करके फिर हम इसको चला के चेक करेंगे। इसको फिट करने से पहले हम जिसका रोटर है, इसको कपड़े से, साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे इसको। इसके ऊपर कपड़ा फेंक के साफ़ कर लेंगे और इसको भी ये साफ़ कर लेंगे जितना हो सकता है। हमने इसको मोटर को फिट कर लिया पूरा। ये देखो, हमने ये चारों बोल्ट इसके नए नए लगा दिए, ठीक है। और जो इसको हमने फिट किया है, ये स्टेटर की तारें वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये देखो, ये शाफ्ट अब इसकी ये बिल्कुल फ्री घूम रही है अभी, ये ऐसे फ्री रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको चला के चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमने इसके साथ ये कैपेसिटर लगा दिया 5 माइक्रोफैरड का, और ये हमने इसके ऊपर टेप लगा दी है, ये पता चलेगा, ठीक है। ये ऐसे मोटर क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए ये मोटर, ठीक है। और ये हमने इसकी तार लगा दी है। अब इसमें हम मीटर लगा देंगे, अम्पेयर, इसके हम अम्पेयर चेक करेंगे। ये 0.67 अम्पेयर लेने चाहिए मोटर। अगर इतना अम्पेयर ले रही है, इसका मतलब ये सही चल रही है, ठीक है। तो इसको तार को ये टच कर दी है, ये मोटर चल पड़ी है। ये क्लॉकवाइज घूम रही है मोटर। ये इसके अम्पेयर भी, ये 0.7 अम्पेयर ले रहे हैं, मोटर बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही चल रही है ये मोटर। अब हम इसको मशीन में फिट करेंगे और मशीन में फिट करने के बाद हम इसको चला के चेक करेंगे।